है, हम लोगों ने आरसी सर्किट स्टडी किया था पहले, राइट? स्टडी किया था, यस सर। तो उसी आरसी सर्किट में जो हमें रिजल्ट मिले थे, कुछ उसी तरीके के रिजल्ट हमें एलआर सर्किट के अंदर भी मिलने वाले हैं, ठीक है? देयर इज नो मच मोर वेरिएशन, जहां पर सी था वहां पर एल आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहां पर हम लोग एलआर सर्किट बना लेते हैं। ये आपका इंडक्टर, ये आपका रेजिस्टर। प्रथम स्मिथ स्मिथ नीर कल्प एलआर सर्किट के अंदर, जब तक ये स्विच ओपन है, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? जीरो, यस और नो? टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे करंट कितना होगा बेटा? जीरो। यस सर। स्विच क्लोज करने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि टी इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम पर जो करंट है वो हो जाएगा आपका वी बाय आर, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए कि एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जब करंट जीरो है, उस टाइम पे इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन वायर। इंडक्टर कैसे काम करेगा? इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन वायर और एट टी इक्वल्स टू इंफिनिट पे जब हमें करंट आई इक्वल्स टू वी बाय आर मिल रहा है, तो वी कैन से इंडक्टर एक्ट्स एज वायर। इंडक्टर एक्ट्स एज अ वायर, ऐसा कुछ कुछ आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, याद है? यस सर। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, याद है कि भूल गए? यस सर। ठीक, अब समझिए, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहां पर हमें पोटेंशियल मिल रहा है एल डॉट डी आई बाई डी टी, यहां पे पोटेंशियल मिलेगा आई आर। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू एल डॉट डी आई बाई डी टी प्लस आई इंटू आर, ठीक है? अब समझिए, अगर मैं यहां पर लूं, मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है? आई होप कि आप समझ जाएंगे। अगर मैंने लिया दैट ई, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल जो बैटरी लगाई है वो ई माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू एल डॉट डी आई बाई डी टी। इसमें डी आई बाय ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू डी टी बाय एल, ये कैसे बना? ये क्लियर है? पहले तो ये समझो, डी आई बाय ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी बाय एल, ये कैसे आया? क्या ये समझ में आया?
समझ में आया? तो यहाँ बोलना कोई जबरदस्ती नहीं है, यस सर। ठीक, यस सर, यस। अब आगे देखो, यहां तक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आर से, दोनों से मल्टीप्लाइंग बार, मल्टीप्लाइंग बार आर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मिनट, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आर डॉट डी आई बाय ई माइनस आई आर इक्वल्स टू माइनस आर डी टी बाय एल। नाउ इफ यू इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, तो वन बाय ई माइनस आई आर इंटू आर डी आई इक्वल्स टू माइनस आर डी टी बाय एल। तो आप एक चीज समझिए, वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है कि नहीं, ln x, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस ई ई माइनस आई आर इक्वल्स टू माइनस आर बाय एल डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस कॉन्स्टेंट ए ले लेते हैं, सी लेना हो सी ले लो, बी लेना हो बी ले लो, जो लेना हो, मैंने ए ले लिया है कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे करंट क्या होगा, जीरो। एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, जीरो टाइम पे मैंने यहां पर करंट की वैल्यू जीरो कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट की। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग बेस ई, और ये आया ई एम एफ ई इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा माइनस, अच्छा ये भी तो जीरो ही हो जाएगा ना, टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो प्लस ए। इसका मतलब ए की जो वैल्यू आई वो क्या आई, लॉग ई, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, लॉग ई ई माइनस आई आर, सो लॉग ई ई माइनस आई आर इक्वल्स टू माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस ए। तो माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी है भाई, लॉग ई। ठीक है, ओके, नाउ लॉग ई माइनस आई आर माइनस लॉग ई इक्वल्स टू माइनस आई आर बाय एल इंटू टी, इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई माइनस आई आर बाय ई इज इक्वल्स टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत, एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e माइनस आई आर बाय e इक्वल्स टू e रेस टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, वन माइनस आई आर बाय e इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। ठीक, तो ये हो जाएगा आई आर बाय ई, आई आर बाय ई को उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू वन माइनस ई रेस टू
माइनस आर बाय एल इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। नाउ एज वी नो दैट एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे आई क्या हो जाता है, आई नॉट, दैट मीन्स इट कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो? यस। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट। सो अगर हम करें यहां पे टी इक्वल्स टू एल बाय आर, आपने एक टर्म पढ़ी थी याद होगा आप सभी को, टॉ इज इक्वल्स टू एल बाय आर, याद है? ऐसा कुछ कुछ हमने कहां पढ़ा था, कैपेसिटर वाले में भी पढ़ा था। कुछ पढ़ा था भाई, टी टॉ इज इक्वल्स टू आर सी कुछ पढ़ा था? यस यस। तो मतलब ऐसे ब्लैंक माइंड के साथ बैठ जाते हो ना कभी कभार, तो टॉ इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाय आर। तो अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके देखें तो I equals to E by R 1 minus E raise to, ये जो है L, R by L, तो R by L को हम क्या लिखेंगे, 1 by tau, तो ये हो जाएगा T by tau हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, T by tau हो जाएगा? Yes sir। माइनस और ले लो यहाँ पे, ठीक समझ में आ रहा है? काय का समझ में आ रहा है? Yes, sir। पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो। तो I equals to क्या आ जाएगा, I not into 1 minus e raise to minus t by tau, तो t by tau मतलब second, वो तो convert होके minus 1 हो गया, yes or no? अरे minus 1 होगा कि नहीं होगा यार ये? Yes, sir। I equals to I naught into 1 minus 1 by E। तो I कितना आ जाएगा, 0.63 times of I naught। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं एलआर सर्किट के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट, मीन दैट मींस टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट, इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम इन विच द करंट राइजेस फ्रॉम 0 to 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो, कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर है यहाँ तक भाई? ये हो गया ना I is equals to 63% of I naught, yes or no? Maximum value का 63% पहुंच गया। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो ये करंट हो गया I, ये हमने ले लिया टाइम टी, ठीक है, और ये जो है ये कुछ इस तरीके से करंट, सॉरी करंट कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये हम ये कह सकते हैं दैट इट अपीयर्स
हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज करंट अप्रोचेस, मतलब जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ जाते जाएंगे ठीक है, द करंट गेटिंग मैक्सिमम। बट आप एक चीज देखिए कि ये सर्टेन टाइम के बाद ही ना कांस्टेंट सा होता हुआ दिख रहा है, मींस वी कैन से इट अप्रोचेस आई नॉट। हम कह सकते हैं इट अप्रोचेस आई नॉट, आई नॉट को वो अप्रोच कर रहा है ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली आई नॉट। जैसे हम उसके अंदर कहते थे याद है कैपेसिटर के अंदर कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हम अचीव कर लेते हैं, हम लोग कंसीडर करके चल देते हैं कि भाई कैपेसिटेंस जो है वहां पर टी को इनफिनिटी टाइम पर मैक्सिमम मिल जाता है राइट। बट रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं था, हम तो मानते मानकर चल रहे थे ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग, याद है आप लोगों को कुछ? यस सर। यस सर ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा कि हवा में जा रहा है सब? ये आरसी सर्किट जैसा ही है कि कुछ अलग है? आरसी सर्किट जैसा है या कुछ अलग है? अरे या तो तुम दो बिल्कुल ना नाम खराब करने वाले काम है तुम लोगों के, और कुछ नहीं है, है ना? और डिस्चार्जिंग में कैसा होता है? ये आपका आई, ये हम ले लेते हैं कोई पॉइंट पे आई नॉट, और ये आपका टी। क्या होता है इसमें करंट इस तरीके से डिक्रीज होता है? यस और नो? इसे क्या होता है? डीके। यस ठीक है, LR सर्किट के अंदर किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। Anyone has any doubt in LR सर्किट? LR सर्किट में किसी को कोई डाउट है? ये जो हमने tau लिया है कहाँ गया? This tau is equals to L by R। इसे क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट या फिर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, क्या कहते हैं? इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब आप लोग एक काम करना, ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ और डीके दोनों के केसेस में हमने कैपेसिटर्स को पहले डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? क्लियर है सभी को? ठीक, अब आप समझिए, ये हमने ले लिया एलआर सर्किट के लिए, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। बोला था ना कल पढ़ के आना, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा है कुछ? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा है? अरे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये पता है क्या? वाह भाई वाह, सही है।
चलिए म्यूचुअल इंडक्शन देखो जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के अंदर देखा कि सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था कि जिस कॉइल के अंदर लाइक इंडक्टर की जैसे हम बात करें तो उसके अंदर करंट पास हो रहा था और इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था वो भी उसी के अंदर हो रहा था राइट ये हमने किसमें देखा सेल्फ इंडक्शन के अंदर ठीक है। अच्छा कोई केस आप मुझे बताइए जो हमने पहले स्टडी किया हो देव मोदी कोई ऐसा केस बताओ जिसके अंदर हमने दो लूप लिए हो या फिर एक लूप लिया हो एक वायर लिया हो और हमने ऐसा किया हो कि मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ऐसा कुछ पढ़ा हमने पहले ऐसा कुछ पढ़ा हमने शान पढ़ा तो ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था ना हमने आगे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं इस तरीके के जिसमें करंट किसी और किसी और में फ्लो हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी और में मिल रहा है ऐसा कुछ कुछ स्टडी किया हमने कि नहीं किया हाँ सर किया है ना किया है ना यस सर तो जो चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स उसी चीज को हमें समझना है म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है उसी चीज को हमें समझना है हम ऑलरेडी उसके न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं बेटा ठीक है अब समझिए तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कॉइल्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which each opposes any change each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an opposing EMF. बोलो आई बात समझ में शान कैन यू एक्सप्लेन ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है म्यूचुअल इंडक्शन कैसे म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहना चाह रहा है कैन यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन कैसे करूं समझ में आया पर एक्सप्लेन करने का पता नहीं चला कैसे एक्सप्लेन करूं भाई तो समझ में क्या आया जब तुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है भाई दो कॉइल हैं किसी एक कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो उस करंट का ऑपोज कर रहा है सिंपल भाई लेंज लॉ के अंदर यही तो पढ़ा था कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी का वो ऑपोज करता है तो मान लो यहां पर मैंने एक कॉइल ली यहां पर मैंने एक कॉइल ली ठीक है अगर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है यहां पे करंट फ्लो होने की वजह से अगर इस कॉइल के अंदर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ करंट
अरे सॉरी, ये इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इस करंट की वजह से हुआ है। अब ये जो ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो इस करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन का वो क्या करता है? अपोज करेगा। यस और नो? बस वही तो है ये म्यूचुअल इंडक्शन। सेम चीज है सेल्फ इंडक्शन के अंदर, क्या हो रहा था कि खुद ही के अंदर इंड्यूस कर रहा था। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि दूसरे के घर में हो रहा है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? यस सर। अब समझिए, ना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या था? सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या था? L था, right? L. यहाँ पर coefficient of mutual induction की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा flux जो produce हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? Due to the change in the current, due to the change in current, and this proportionality sign is replaced by M. This proportionality sign is replaced by M. तो हम क्या लिखेंगे? Phi is equals to M into I. क्या लिखेंगे? Phi is equals to M into I. जिसमें अगर हम ये कहें कि इफ करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो फ्लक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो M के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि हमने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ किसमें इंड्यूस हो रहा है? इन द नेबरिंग कॉइल। तो हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाय डी टी। ईएमएफ के लिए क्या लिखेंगे? माइनस डी फाई बाय डी टी। एंड फाइ का वैल्यू क्या है? फाइ का वैल्यू क्या है? एम आई। फाइ का वैल्यू क्या है? एम आई। तो क्या लिखेंगे? ई मतलब ई एम एफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाइ। फाइ की वैल्यू हमने लिख ली एम आई। क्या लिख लिया? एम आई। तो इंड्यूस ई एम एफ के लिए हम लिखेंगे माइनस एम डी आई बाय डी टी। बोलो आई बात समझ में? दूसरी चीज, एस आई यूनिट ऑफ एम क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ एम इज व्हाट? क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है उसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होगा। हाँ, हेनरी। किस, क्या बोल रहे हैं भाई? हेनरी, हेनरी, ठीक है, ठीक। आगे समझिए, अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन किस किस पे? तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द कॉइल, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन विच दिस कॉइल्स आर वाउंड। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। And third one,
रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, मतलब कि उनका ओरिएंटेशन क्या है. तो हम लिख सकते हैं ओरिएंटेशन किस तरीके से रखा गया ये भी डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स. बोलो क्लियर है यहां तक. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स. अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनोइड में भी हो सकता है, दो सर्कुलर लूप के अंदर भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से है, सभी बुक्स में अलग अलग डायग्राम गिवन होते हैं इसके, बट जो बेस है वो जो आपको समझना है वो ये है कि यहां पर हमने जो सोलेनोइड लिया है कुछ इस तरीके से, गिव मी अ मोमेंट. अब यहाँ पे हमने दो सोलेनोइड कंसीडर किए हैं, एक S1 है और एक S2 है. S1 जो है वो इनर साइड जो लिया हुआ है, दैट इज S1 सोलेनोइड है, इनर सोलेनोइड इज S1. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनर सोलेनोइड S1, जिसकी रेडियस हमने ली है R1. कितना रेडियस है? R1 रेडियस है. एंड N1 नंबर ऑफ टर्न्स, R1 रेडियस एंड N1 नंबर ऑफ टर्न्स. एंड जो आउटर सोलेनोइड है वो S2 से रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हो जो बड़ा है, जिसकी रेडियस R2 है एंड N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. बोलो यहां तक समझ में आया पहली चीज? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हमने यहाँ पर करंट I2 को रिप्रेजेंट किया है सबसे पहले, दैट इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू सोलेनोइड S2, मतलब सेकंड सोलेनोइड, मतलब जो बड़ा वाला सोलेनोइड है उसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है. जब करंट फ्लो होगा सेकंड सोलेनोइड से तो क्या होगा, फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्या हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा फर्स्ट सिलेंडर के अंदर, सॉरी फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हेलो, ड्यू टू करंट I2 इन सोलेनोइड S2, सेकंड मतलब बड़ा वाला जो सोलेनोइड है बेटा उसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रहा है, और उस करंट की वजह से फर्स्ट वाला जो सोलेनोइड है उसके अंदर हमें फ्लक्स मिलेगा. फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स क्या मिलेगा, phi1 मिलेगा या phi2 मिलेगा? ऐसा लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शन में था, करंट के. लेकिन अब आप यहां पे देखिए कि फ्लक्स कौन सा होगा, फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर फ्लक्स मिल रहा है और सेकंड के अंदर हमें, मतलब सेकंड सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर हमें फ्लक्स phi1 मिल रहा है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं phi1 इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, दैट phi1 is equals to mutual induction in mutual induction in one due to two. लिख सकते हैं ऐसे, mutual induction in solenoid S1, म्यूचुअल इंडक्शन इन सोलेनोइड S1 ड्यू टू I2 इन सोलेनोइड S2.
ठीक है, ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस सर। यहां से कहानी की शुरुआत होती है, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो कहानी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, हमने लिख दिया phi 1 is equals to mutual induction in 1 due to 2. 1 into 2 मतलब 1 mutual induction in first solenoid due to second solenoid. Due to second solenoid का मतलब ये है कि second solenoid के अंदर current flow हो रहा है. तो phi 1 हमने लिखा M12I2, right? अब समझिए कि second solenoid के अंदर flux मिल रहा है, that means definitely वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है? करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन S2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन सोलेनोइड S2, तो कितना आएगा भाई? B2 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N2 I2 लिख सकते हैं. Yes, sir. Therefore, we can say the magnetic flux through solenoid S1. The magnetic flux through the solenoid S1 with the phi 1 is equals to क्या लिखेंगे? भाई flux होता क्या है? B into A. Basic formula क्या है? देखो, flux का basic formula क्या है? Flux phi is equals to B into A. तो हमें निकालना है flux in the first. Is equals to किसकी मैग्नेटिक फील्ड? सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड वाले की. और एरिया कितना आ जाएगा? A1. भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर. किसके अंदर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं? फर्स्ट के अंदर हमें फ्लक्स मिल रहा है. किसकी वजह से मिल रहा है? तो करंट I2 की वजह से मिल रहा है. करंट I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 मिला. किसके अंदर मिला? A1 के लिए हम निकाल रहे हैं फ्लक्स. तो किसका एरिया लेंगे? A1 का एरिया लेंगे. एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. बोलो, यहां तक समझ में आया? तो भाई L करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? phi 1 is equals to, सबसे पहले B2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट N2 I2 और A1 एरिया. और N1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखेंगे? A1 एरिया की जगह सीधा पाई आर स्क्वायर लिख लेता हूँ. पाई आर वन स्क्वायर और N1 इंटू L. बोलो, यहां तक समझ में आया? अरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो. हाँ सर. आया समझ में? हाँ. पक्का? हाँ सर. ठीक. अब देखो, फ्लक्स phi 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? अब ये सब पूरी इक्वेशन बनाओ. देखो, म्यू नॉट N1 N2 I2 पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल हो गया. एक काम करता हूं, ये I2 को हटाता हूं यहां से. पहले लिख लेते हैं म्यू नॉट N1 N2 पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल इंटू I2, ठीक है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं phi 1 is equals to. अब देखो, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखो phi 1 equals to यहाँ पर M12I2 है और यहाँ पे phi 1 is equals to this into I2 है. इसका मतलब M12 की वैल्यू कितनी होगी? M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 पाई आर वन स्क्वायर इनटू एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर. पक्का?
सर ये हमारा M12 आ गया, क्या आ गया M12, ठीक है। अब जैसे हमने M12 निकाला है, वी कैन फाइंड सिमिलरली वी कैन फाइंड M21। क्या हम M21 भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे? यस सर। यस। और आप देखेंगे कि M21 भी यही मिलेगा आपको। M21 भी क्या आएगा? म्यू नॉट N1 N2 pi R1 स्क्वायर इनटू L। क्या जाएगा? pi R1 स्क्वायर इनटू L। क्या कह रहे हैं? एक मिनट हाँ, हाँ सही है, R2 स्क्वायर आएगा। हाँ क्योंकि सेकंड एरिया लेंगे ना, राइट। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज समझो, मतलब कुल मिला के हमें जो समझना है वो देखो कि M12 एंड M21 दोनों सेम ही आएंगे भाई, आएंगे तो दोनों सेम, यस और नो? रेडियस अलग रहेगा ना। अरे रेडियस अलग अलग होगी गुरु। हाँ रेडियस का से डिफरेंस रहेगा ना, मतलब R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर रहेगा ना उन दोनों का रेशियो तो। नहीं रेशियो ले नहीं रहे हमें, रेशियो ले नहीं रहे हमें, एक मिनट रुक, जस्ट देखो, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड S1 ड्यू टू करंट इन S1। तो भाई S2 पे तो जाने ही वाला ही नहीं है, इसलिए हम किसका एरिया लेंगे? अंदर वाले का एरिया लेते हैं। आई बात समझ में? यस यस, ठीक है सर। इसलिए हम लिखते हैं दैट phi1 is equals to m12 i2 एंड phi2 is equals to m21 i1। इन बोथ केसेस m12 इज इक्वल्स टू होता है m21, ठीक है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि एरिया जो है वो दोनों ही कंडीशन में अंदर वाला ही लेना रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसको कैसे लिखते हैं वो देखो, ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया। अब आप देखिए लिख सकते हैं दैट M12 इज इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2। ये πr1 स्क्वायर को मैं अब एरिया लिख लेता हूं सिंपल, ठीक है, बिकॉज इन बोथ द केसेस इट विल कम सेम। सो N1 N2। अच्छा अब एक चीज समझिए, नंबर ऑफ n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस और नो? यही होता है ना, तो इसे लिखते हैं म्यू नॉट N1 by L N2 by L इनटू एरिया इनटू लेंथ। ये गया ये गया, तो बचा क्या? म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 A by L। ये हमारा आ गया म्यूचुअल इंडक्शन M, म्यू नॉट N1 N2 A by L। बोलो कोई दिक्कत? सर फिर से कराओ ना सर, पता ही नहीं चला। क्या नहीं पता चला सर? लास्ट वाला, आगे तो थोड़ा बहुत चला। मतलब आगे वाला भी तेरे को समझ में नहीं आया? नहीं सर, पीछे से करा दो। ये वाला हाँ वही। अच्छा देख, अब इसमें क्या हो क्या रहा है कि हमारे पास बेटा दो कॉइल्स हैं, देख
एक सोलेनोइड S1 है और एक सोलेनोइड S2 है, ठीक है। अब जब करंट I1 फ्लो होता है सोलेनोइड S1 के अंदर, जब करंट I1 फ्लो होता है सोलेनोइड S1 के अंदर, मतलब जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ इनर सोलेनोइड पे मिलती है हमें। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड S1 ड्यू टू करंट इन द सोलेनोइड S1, मतलब अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड S1 के, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोलेनोइड S1 पे ही मिल रहा है, मतलब इनर सोलेनोइड पे मिल रहा है, आउटर सोलेनोइड पे नहीं मिल रहा है। तो एरिया हम कौन सा लेंगे? इनर वाला ही तो कंसीडर करना पड़ेगा ना एरिया। आई बात समझ में? हाँ सर, बस इतना है वेरिएशन, इसीलिए दोनों की कंडीशन के अंदर एरिया सेम रहता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया अपना म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी है भाई किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, एक चीज और पूछनी थी कि क्या मैंने आपको कुछ ऐसा करवाया है जिसमें बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकंड हमने निकाला है कहीं पर भी? देखिए, एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ, ये हमने कहीं ना कहीं कर लिया है, बट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल किया होगा, ठीक है। देखिए, समझिए कि हमने लूप लिया। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि ईएमएफ जो हम कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? बीएलवी, यस और नो? इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या ले रहे हैं? बीएलवी ले रहे हैं। अरे प्रूफ किया हुआ है ना कितनी बार आगे? यस, ठीक है। तो हमने क्या किया? करंट इन द करंट इंड्यूस इन द लूप, अगर हम देखें करंट induced in the loop, तो करंट आ जाता है I is equals to E by R, yes or no? तो EMF कितना आएगा? BLV by R, ये आपका आ गया, ठीक है। अब कहानी बतानी पड़ेगी, मतलब मुझे लग रहा है, चलो बता ही देता हूँ कहानी के साथ ही। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक स्मॉल आर रेजिस्टेंस का एक मूवेबल आर्म लिया है, PQ, रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ठीक है। एंड अगर हम अज्यूम करें दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग आर्म QR, RS एंड SP इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू R, मतलब हमने एक रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस तरीके से, PQRS, ऐसा ही काम ले लिया, ठीक है, मूवेबल है ये। एंड इसमें हमने कंसीडर ये किया कि PQ आर्म जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप वुड रिमेन आर इवन व्हेन PQ इज मूव्ड, ठीक है। और ये जो है बाकी की जो आर्म्स हैं इनका जो रेजिस्टेंस है वो हमने नेग्लिजिबल कंसीडर किया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूव विद वेलोसिटी वी इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें ईएमएफ मिलता है बीएलवी। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पता है ना आप लोगों को? हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले, याद है आपको?
ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ये मैंने एक लूप ले लिया, इस लूप का नाम दे दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको जो केस करवाया था उसके अंदर ऐसा किया था कि मैंने एक रॉड ले ली पी क्यू लेंथ की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, मास एम लिया था, रेल वाला प्रॉब्लम लिया था, याद आया आप कुछ? यस सर। अब याद आ गया? यस। अबे वही तो कहानी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ये मुझे पता था नाम चेंज करते डब्बे गुल हो जाएंगे सबके। अभी याद आ गया? अभी याद आ गया? यस। कई लोगों को तो अभी भी याद नहीं आया होगा कि साला ये कब करवा दिया। अब समझो, तो करंट हमें क्या मिलेगा, बी एल बी बाय आर मिलेगा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि इसके ऊपर फोर्स लगता है, क्या लगता है? फोर्स। तो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगता है बी आई एल, पढ़ा था। अब इसमें बी आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू आ जाएगी बी एल बी बाय आर इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये हमारा आ गया फोर्स, ये क्या आ गया हमारा फोर्स। और आपको ये भी पता है कि हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो निकलती है वो वेलोसिटी से कैसी होती है, ऑपोजिट होती है, याद है? फोर्स इस तरफ लगता है, कंडक्टर इस तरफ लगता है, ठीक है। नाउ पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर विद वेलोसिटी वी, हमने ये केस भी किया था, वी वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, याद है किसी को? यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वी वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो हमें पावर कितना लगाना पड़ेगा, तो पावर इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस वी, ठीक है। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब फोर्स कितना है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर और इंटू वी, तो ये कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा b square l square v square by r, हो जाएगा पावर? यस और नो? यस सर। अब अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है टू मूव दिस, अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया है इस कंडक्टर को मूव करने के लिए, तो पावर को हम लिख सकते हैं i square r, लिख सकते हैं? यस ठीक। अब I की वैल्यू कितनी है, देखो बी एल वी बाय आर, तो बी एल वी बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर से आर गया, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा क्या आ गया, पावर आ गया, आ गया? आ गया? Yes, sir. Yes. अगर आपसे पूछा जाए हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकंड, मतलब कि पावर बाय टाइम, तो पावर आपको पता ही है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, और टाइम अगर वन सेकंड है तो हो गया आपका हीट एनर्जी कितना, बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकंड आ गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसी केस के अंदर हमने ये भी पढ़ा था दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर, ऐसा कुछ पढ़ा था, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर पढ़ा था। वाह क्या याददाश्त है तुम लोगों की। अरे चार्ज फ्लोन नहीं पढ़ा था क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर।